उत्तराखंड राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने हरिद्वार जिले की अलग अलग तीन विधानसभाओं में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया, जहां इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने जिलाध्यक्ष वीर प्रताप चौहान के नेतृत्व में अन्य पार्टियों से आए सैकड़ों युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार किसान और युवा वर्गों का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी अपने पूर्ण चरम पर है, जनता झूठे वादों से परेशान हो चुकी है, जिससे हितेश होकर युवा वर्ग बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही युवाओं के हित सुरक्षित हैं, पार्टी कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन होगा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी। जो झूठ होता है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं चलता और धीरे धीरे देश की जो जनता है वो इस बात को समझने लग गई है। ये जो पब्लिक का रुझान देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ने का, कांग्रेस के साथ जुड़ने का, ये अपने आप में ही बात साबित करता है कि जो झूठ की पोल खुल गई है, बीजेपी जो जुमलों की राजनीति करती है उससे लोगों का दिल भर चुका है और वो अभी जुमलों से तंग आ चुके हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है। और 2022 में उत्तराखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। सर, जो हमारे जिलाध्यक्ष वीर प्रताप जी ने 80 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता आज दिलाई है और करीब 200 लोग और जो हमारे संपर्क में हैं, जो बहुत जल्दी वीर प्रताप जी की अध्यक्षता में और बहुत जल्दी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। नीति तो देखिए ऐसा है, हमारे बड़े नेता बनाते हैं जो हम उसको फॉलो करते हैं। आला कमान जैसा भी आदेश करता है हम उसको फॉलो करते हैं और वही हम करेंगे जैसा निर्देश ऊपर से आएगा। फिलहाल हम पब्लिक से सीधा तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो परेशान लोग हैं, जो इस दौर में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके दुख दर्दों को उनसे जुड़कर